अरे बॉस ने आज हमें छुट्टी दे दी है, धमाल करेंगे आज हम घूमेंगे। पर विकिपीडिया कर ले, पता चल जाएगा। ए टकले रुक, पहले सीनियर टकले से बात कर लूं, इसका ईगो हर्ट ना हो जाए। ब्रूस ली की फिल्में देखी है? अनेक बार देखी है। जैकी चैन की? धनाधन मारता है। मैं उसका भी बाप हूँ, बिना हाथ उठाए मारता हूँ। ऐसा है क्या? ए परीक्षा दे। अरे और लोगों को भेजो, यहाँ एक एक करके सब कम हो रहे हैं। देव, आपकी सुरक्षा के लिए। अंजलि, अंजलि, अरे नहीं, मेरी प्यारी गुड़िया, अरे सुन तो, थोड़ा सा दे दे बेटा, थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। आपको कोई शर्म है कि नहीं? बच्चे से छीन कर चॉकलेट खा रहे हैं, डायबिटीज है, भूल गए? श्याम, श्याम क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे? ये पैर में चोट कैसे लगी? अरे वो एक... क्या हुआ? संजय बाहर आ। अरे ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था तुमसे कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, पर मेरी सुनते ही नहीं है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है संध्या, इतनी चिंता मत करो। देव सर, ये है मेरा परिवार, मुझे खरोच भी आया तो इन्हें बहुत दर्द होता है। ये है मेरी मम्मी। नमस्ते माँ जी। ये मेरे डैड। नमस्ते जी। और ये मेरी पत्नी और मेरी बिटिया अंजलि। और ये मेरा दोस्त लियो। डैड हाँ? देव को हमारी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है, आप इसे कमरा दिखा दीजिए। हाँ ठीक, चलिए। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें रहना है, लेकिन यहाँ पहले से कोई और रह रहा है। अच्छा, उसकी बातों पे ध्यान मत देना। ऐसा क्यों? वो बड़बोला है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। ओह। यही है वो। इसी भैंसे की बात कर रहे थे? हाँ, भाई साहब किसे कह रहे हो, कौन है ये? है मैं श्याम सर। प्रश्न इससे किया था, जवाब भी यही देगा। शेरा को ये सब पसंद नहीं। शेरा, वो कौन है? ओ, इधर देख, मैं हूँ शेरा ओरिजिनल, ऊपर से नीचे तक। ए, अपनी गंदी सोच मत लो। ये नया सिक्योरिटी ऑफिसर है। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी
ऐसी बात है तो ये पकड़ो। इस्तीफा है? नहीं, महीने के राशन की लिस्ट है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? चुप कर, अगर ये दो गुना खाएगा तो मैं चार गुना खाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चलता बनूंगा। क्या बिस्तरा पटला बांधने में मदद कर दूं? तो मुझे निकालने में तुला है। चल बैठ के बात करें तो दो दो हाथ हो जाए। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। अच्छा मैं चलता हूं। कल कहीं का उस्ताद, हम आपके शागिर्द बनना चाहते हैं। अच्छा, ये भी मेरा शागिर्द रह चुका है। उनको छोड़ दो उस्ताद जी। वैसे आपने अब तक किस किस को सिक्योरिटी दी है? हमारी राज जान की क्या करें? प्रचार कहानी लंबाई में छोटी है। और छोटी कर दीजिए। मेरे परदादा राजाओं की फौज में थे, घोड़े चलाते थे, और दादी ठगी थी। इसलिए मैं आधा चोर हूँ और आधा सिपाही। लगते हो मोहताज फॉर पाई पाई। आज समझ में आई? यस, पानी कम चाहिए। बिल्कुल। आई माँ, मम्मी, वाह वाह वाह, क्या बात है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की। आपका 10 किलो उतर ही गया होगा। लगता है इसने मेरी झूठी कहानी को सच मान लिया। फिलहाल हड्डियों को मांस से जोड़ना पड़ेगा। अंजलि, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ मम्मा, देखने दो ना। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सिक्योरिटी के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? किसी भी ऐसे वैसे को उठा कर ले आए? संध्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या, उसे हर वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर वो तो मस्त फैल कर सो रहा है। किसी भी सड़क छाप को ले। संध्या, शुभ रात्रि। अरे कसरत मुझसे करवाई और खुद सो रहा है? चलो आपके लिए जगह छोड़िए ना। अरे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ भाई। मुझे क्या पता, घोचू उठने किसी और वजह से बोल रहा हूँ। टीवी पे कंचना आ रही है यार। आपको देख लिया, इससे भयंकर टीवी में क्या हो सकता है? मुझसे भी भयंकर, प्रेत आत्माएं हैं उसमें। उसके बाद तेरा सारा डर गायब हो जाएगा। मैं बहुत फट्टू, मुझे चुड़ैल नहीं देखनी। तू और फट्टू, एक बार देख ले मुन्ना, बार बार देखने का मन करेगा। देख कर ही मेरा मन भर गया, तन दुख रहा। सोने दीजिए, भूत देख लिया तो बिस्तर में हो जाएगी। फट गई। अरे अब तो शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या बेटा। हीरो टीका लगा के दांतों को कचकचाना है। अरे जल्दी उठ, अभी तो शॉकिंग सीन आने वाला है। शॉकिंग सीन ये देखो। लक्ष्मी बॉम्ब मत फोड़। ये क्या हो रहा है? सो जाओ। पिक्चर का भूत इसमें आ गया क्या? मुझे छूने की तूने हिम्मत भी कैसे की साला? लक्ष्मी के खून में टमाटर का स्वाद है, कल ब्राउन ब्रेड के साथ खाऊंगा। मैं भी सो जाता हूँ। भूखा शेर। लियो, अच्छे बच्चे की तरह रहना, मम्मी को सताना मत। बाय बाय मम्मा। बाय। ओए चलानी आती है? बचपन में साइकिल एक पहिए पे चलाई है, 5 गियर वाला एरोप्लेन भी उड़ा है, तो ये गाड़ी क्या चीज है? तूने 5 गियर वाली प्लेन उड़ाई है तो मैंने बिना गियर की ट्रेन चलाई है। चल बैठ जा। एको मत बैठो। मैं नहीं फेंकता। बेल्ट पहन लीजिए। पहनी है? कमर की नहीं, अमर की। मेरी फिगर छोड़ और रस्ते पे ध्यान दे। Jump, 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 jump
इसीलिए कहता हूँ सुरक्षा कवच पहन कर रखो। ए पकावा जामुन, गाड़ी के नीचे आके पिचकना है क्या? ये कौन है? इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ए घोचू, ये रसगुल्ला तुझे पकावा जामुन लगता है? ये हमेशा इसके साथ आती है। ये कोई शेयरिंग ऑटो नहीं जो कोई भी आकर बैठे। मैं कह रहा हूँ ना, वो इसी गाड़ी में बैठेगी। और ना बैठी तो मैं उतर जाऊंगा। लगी 100 की? हाँ, पूरे 100 पैसों की। अभी लाया, 100 रुपया उधार रहा। अरे हम दोनों को छोड़ के चला गया। कोई नहीं, कोई और छोड़ देगा। हाय चिलबुली, कैसी हो? इतनी धूप में तंदूर क्यों बन रही हो? एसी गाड़ी में ठंडी हो जाओ। कोई छोड़कर चला गया, आप हमें कहीं छोड़ देंगे? कहो तो अंतरिक्ष में छोड़ दूं? नहीं नहीं, इतने ऊपर नहीं बे, बस आगे तक, हमें लिफ्ट दे दे। स्कूल तक छोड़ दो। मेरे बगल में बैठो। गाड़ी मैं चलाऊंगी। बगल में बैठू या बगल में, सब चलेगा। कवच पहन ले बे। पहले से ही पहना है। वो नहीं, सीट बेल्ट। उसकी आवश्यकता नहीं, डाल ले, जान बच जाएगी। अपना मुंह बंद करो। चलो। सुरक्षा कवच पहन लेना चाहिए था। क्या करूं? तुम्हारी फ्रेंड को गाड़ी में नहीं बिठाया तो नाराज हो? ठीक है, मैं आज शाम को आपकी फ्रेंड को आते वक्त ले आऊंगा। मस्का मत लगा। अंजलि। हाय। जाओ। चिलबुली दीदी, तुम यहाँ आ गई? मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी। तुम्हें लॉलीपॉप दिए बिना कभी कॉलेज गई हो क्या? ये लो। धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है, तुम लिफ्ट नहीं दोगे तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगी? तुमने लिफ्ट नहीं दी तो क्या हुआ? इस दुनिया का हर एक लड़का इन्हें लिफ्ट देने तैयार है। ओए, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना, समझे? मैं अंजलि की खास दोस्त हूँ, वो मेरे बिना स्कूल नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा दीदी। ये मेरी तरफ से। धन्यवाद। हाय श्रेया, ये लो चॉकलेट। जाओ बच्चों, क्लास में जाओ। आज जन्मदिवस है क्या? किसका? इसका या छोटी बच्ची का? उस बच्ची का। एक एक करके सभी को चॉकलेट दे रही है, इससे क्या प्यार बढ़ता है? इसे दोस्ती कहते हैं। तो मैं भी करूंगा। इसे क्या कहते हैं? चॉकलेट। अच्छा, ओहो, थैंक यू। नाइस। ये क्या, 2 रुपए का चॉकलेट आगे बढ़ा के हमसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है तू? मेरे माथे पे गधा नहीं लिखा हुआ है, समझे? और मैं लोगों का दिमाग पढ़ के कह सकता हूँ कि वो कितनी पहुंची हुई चीज है। तू बहुत पहुंची हुई चीज है। जाते हुए बतख के बारे में बता के बता। वो एक नंबर का फटीचर है, निहायत ही बोंदू। विश्वास नहीं हो रहा ना? अगर मैं उसे यहाँ बुलाऊं और उसकी फिरकी लूं, तब भी वो कुछ नहीं करेगा, मुझसे माफी मांगेगा और मुंह लटकाकर चला जाएगा। ऐसी बात है तो लाइव टेलीकास्ट दिखा मुझे, देखना है। हाँ, बुला बुला। ओए सुन, इधर आना, आओ। क्या तुम मुझे बुला रहे थे? हाँ चपड़ गंजू, क्या काम है? काम हो गया, चल जा। माफ कर दो। तेरा कटोरा कहाँ है बाबा? अरे उठ जा। उसका भविष्य बताने से पहले उसने तेरा भविष्य बदल दिया, पचका हो गया। आ जा।